इवेलुएशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट अचीवमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं स्कूल के अंदर उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए और न सिर्फ मॉनिटर किया जाए और उनकी इवेल्यूशन की जाए इवेल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इवेलुएशन है वो हमें बताती है कि जो भी प्रोग्राम स्कूल्स में किए जा रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है तो इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द इफेक्टिवनेस द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम इवेलुएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ मराहल से की जाती है और उसके करने के मुख्तु तरीके हैं लेकिन स्कूल ईयर के शुरू में ही हमें ये तयन कर लेना चाहिए कि हमने इवेल्यूशन जो है वो कब करनी है और किस किस प्रोग्राम की करनी है सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आपके करिकुलम की एवेल्युशन हो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि टर्म वाइज आपके जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनकी इवेलुएशन हो और जब करिकुलम की और टर्म वाइज बात हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी क्लासरूम के अंदर हो रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं और उसकी इवेल्यूशन की बात करते हैं जहाँ तक क्लासरूम मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो उसकी भी इवेल्यूशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी अमल है और इसका तयन जो है वो करिकुलम का हिस्सा में आना चाहिए आमतौर पर हम जब करिकुलम को इवेलुएट करते हैं तो हम सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं वॉट वी इवेल्यूएट इज हाउ डिड द लेसन हाउ डिड द चिल्ड्रन परफॉर्म बट वट वी डू नॉट इवेलुएट इज दैट हाउ डिड चिल्ड्रन बिहेव इन डिट चिल्लासरूम वट वर द मैनेजमेंट सीनैरियोज इन द्लास रूम सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट द मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड द मैनेजमेंट अप्रोचेज फॉलोड बाई टीचर्स इन द क्लासरूम आर इवेल्यूएटेडिकली सबसे पहले तो इस चीज को डिटर्मिन करना जरूरी है कि क्लासरूम के अंदर कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल हो रहा है कौन से स्टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है टीचर्स जो हैं वो ऐसे कौन से तरीकेकार हैं जो बरूएकार ला रही हैं इन ऑर्डर टू मैनेज डिसिप्लिन इश्यूज इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट टीचिंग एंड लर्निंग गो ऑन स्मूथली इन द क्लासरूम तो इसमें ये अमल बहुत जरूरी है कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेस को

सो फॉर्मेटिव असैसमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ असैसमेंट एंड वॉट इट टेल्स अस इज दैट हाउ डू द डे टू डे क्लासरूम प्रोसीजिंग गो इसमें होता यूं है कि टीचर जो है जब वो क्लासरूम को मैनेज कर रही होती है तो उसके साथ साथ वो ये भी ऑब्जर्व कर रही होती है कि लर्निंग इफेक्टिवनेस के साथ क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो कैसे चल रही है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करें इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वैरायटी ऑफ अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाए और फिर उनको कॉन्टिन्यूसली जाए जहां फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आती है तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशन शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर हम पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं वहां पर हम बेहोरियल चार्ट्स बना सकते हैं जो कि टीचर्स जो है वो एंड ऑफ द वीक द मिडल ऑफ द वीक फिल कर सकते हैं ये देखने के लिए हाउ डू स्टूडेंट्स रिस्पोंड टू डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स नॉट ओनली टीचिंग स्टाइल्स बट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसको इवेल्यूएट करने का एक तरीका जो है वो समेटिव अवेलुएशन के जरिए भी हो सकता है नाउ दैट इज अ वन पॉइंट असेसमेंट एज अपोज टू फॉर्मेटिव असैसमेंट विच इज अ कॉन्टीन्यूस काइंड ऑफ असमेंट दैट गो ऑन थ्रू आउट द ईयर इन समेटिव असैसमेंट वट है एंड ऑफ द टर्म असैसमेंट जहां पर जो एंड ऑफ द टर्म पे टीचर्स जो हैं वो ये इवेलुएट करती हैं दट हाउ डिड दियर क्लास रूम मैनेजमेंट स्टाइल्स गो हाउ डिट दिफाइंड डिफरेंट क्लास रूम अप्रोचेज बिंग यूज इन द क्लास रूम सो ये दो तरीके हैं जिनके जरिए हम क्लास रूम मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेज को इवेलुएट कर सकते हैं एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव है विच इज कॉन्टिन्यूस और एक तरीका जो है वो समेटिव है Which is one point assessment that may happen at the end of a term or at the end of the academic year.